तो यार Infinix मोबाइल कंपनी कुछ दिन पहले हॉट सीरीज का एक फ़ोन लॉन्च किया Infinix हॉट 8, उसके बाद Infinix S सीरीज का एक फ़ोन लॉन्च किया Infinix S5, उसके बाद अभी Infinix स्मार्ट सीरीज का एक फ़ोन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है Infinix स्मार्ट 4। जी हाँ, Infinix स्मार्ट 3 प्लस का ये सक्सेसर है और इसका नाम रखा है Infinix स्मार्ट 4। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे Infinix स्मार्ट 4 का फीचर्स क्या है, लुक और डिजाइन कैसा रहेगा, प्राइस कितना है, सारे डिटेल्स में बात करेंगे। साथ में जानेंगे Infinix स्मार्ट 3 प्लस से Infinix स्मार्ट 4 में क्या क्या फीचर्स अपग्रेड किया गया है और क्या डिफरेंस है। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और Infinix की तरफ से एंट्री लेवल का फ़ोन है ये, तो इस बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सो लेट स्टार्ट। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, Infinix का अभी जितना सारा फ़ोन लॉन्च होने जा रहा है या फिर होने वाला है या फिर हो गया है, सारे फ़ोन जो है मार्केट बहुत अच्छे से कर रहा है। Infinix Hot 8 कहिए या फिर Infinix S5 कहिए या फिर जो भी फ़ोन अभी आने वाला है, सारे फ़ोन जो है मार्केट कर रहा है अच्छे से, क्योंकि एंट्री लेवल में एक बेस्ट फ़ोन निकल के आ रहा है Infinix की तरफ से। अब Infinix Smart 3 Plus के बाद Infinix Smart 4 जो लॉन्च हुआ है, इसके फीचर्स जो है वो भी काफ़ी सारा, मतलब अच्छा अच्छा फीचर्स दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन का डिज़ाइन और लुक का। तो इस फ़ोन का डिज़ाइन जो है थोड़ा सा अलग किया गया है। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नोज वाला डिस्प्ले तो मिलता है, मार्केट में अभी हर फोन में वाटर ड्रॉप नोज वाला डिस्प्ले मिल जाता है। बैक साइड में जाएंगे तो आपको ड्यूल रियर कैमरा और फ्लैश लाइट मिल जाएगा, साथ में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा। और बैक पैनल जो है वो ग्लास बैक पैनल तो नहीं है, एक प्लास्टिक बैक पैनल है। और इसका जो स्पीकर है वो बैक साइड में ही दिया गया है, नीचे की तरफ नहीं है। और इसका राइट साइड में आपको एक अलग सा डेडिकेटेड बटन मिलता है जो कि आपको गूगल असिस्टेंट के लिए दिया गया है, तो ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है जो कि आपको Infinix स्मार्ट 3 प्लस में नहीं मिला था। इसके बाद अगर डिस्प्ले की बात करते हैं इस फोन का, तो इस फोन में आपको 6.6 इंच HD प्लस वाटर ड्रॉप नोज वाला IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आपको Infinix स्मार्ट 3 में भी मिला था, लेकिन उसका साइज जो है थोड़ा सा कम था। तो डिस्प्ले क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो है थोड़ा सा साइज को बड़ा किया गया है डिस्प्ले में। अब अगर बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, जो कि गेमिंग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इस फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो ये 22 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि आपको Infinix स्मार्ट 3 प्लस में भी मिला था। तो लगभग सेम टू सेम प्रोसेसर आपको Infinix स्मार्ट 4 में भी मिल जाएगा। और बात करते हैं इस फोन का रैम और स्टोरेज का, तो आपको 2GB का रैम मिल जाएगा और 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। तो यार जो आपको Infinix स्मार्ट 3 प्लस में मिला था, सेम टू सेम रैम और स्टोरेज आपको इस फोन में भी देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो बैटरी में थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इस फोन में आपको 4000mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा जो कि आपको Infinix स्मार्ट 3 प्लस में देखने को नहीं मिला था। तो बैटरी में थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट इस फोन में मिलेगा। अब बात करते हैं कैमरा का, जो कि अभी का सबसे ट्रेंडिंग फीचर्स है। तो इस फोन में आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा जो कि मैं पहले ही बताया है, और जो प्राइमरी सेंसर रहेगा वो रहेगा 8 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी सेंसर रहेगा VGA सेंसर, और आपको ड्यूल LED फ्लैश लाइट मिलेगा रियर में। और अगर फ्रंट में देखेंगे तो आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा, साथ में आपको LED फ्लैश लाइट भी फ्रंट में मिल जाएगा। तो यार Infinix स्मार्ट 3 प्लस से अगर कंपेयर करते हैं, तो इस फोन का कैमरा में थोड़ा सा मतलब घटाया गया है, इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि आप Infinix स्मार्ट 3 प्लस अगर देखेंगे तो आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया था जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर दिया गया था 13 मेगापिक्सल का, लेकिन इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का दिया जा रहा है और आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक नेगेटिव फीचर्स हो सकता है इस फोन के लिए। और अगर बात करते हैं 4G VoLTE का, तो ड्यूल 4G VoLTE का सपोर्ट आपको इस फोन में मिल जाएगा। Infinix का हर मोबाइल में आपको ड्यूल 4G VoLTE का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाएगा, GPS और जितना सारा सेंसर रहता है, फिंगरप्रिंट सेंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन साथ में जितना सारा सेंसर और भी दिया जाता है, सारे सेंसर आपको इस फोन में मिल जाएगा। और इस फोन का प्राइस भी मुझे लगता है 6000 से लेकर 7000 के अंदर ही रखेगा, या फिर 5000 से लेकर 7000 के अंदर। तो आपको क्या राय है इस फोन के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, ये फोन अभी पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। तो पहली बार ये Infinix पाकिस्तान में पहले लॉन्च किया है। Infinix अभी शायद इस फोन का नाम चेंज करके और फीचर्स भी शायद कुछ चेंज करके शायद ये फोन कुछ दिन बाद इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रखा गया Infinix स्मार्ट 4 प्लस, क्योंकि Infinix स्मार्ट 3 का जो फ़ोन इंडिया में लॉन्च करता है वो प्लस दे के आता है, जैसे कि 3 प्लस, तो इसके बाद 4 प्लस शायद आ सकता है। तो नाम और फीचर्स में शायद कुछ चेंज होगा, लेकिन 80% या फिर 90% फीचर्स यही रहने वाला है।
तो अगर यही फीचर्स के साथ इंडिया में लॉन्च होता है तो मुझे नहीं लगता ये फोन आपको खरीदना चाहिए। तो यार ये था आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये फोन इन्फिनिक्स की तरफ से आपको कैसा लगा। तो यार वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो लाइक करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना है कुछ जानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अगर आप चाहें तो वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो यार मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।